अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हाजी न्यूटन फ्रॉम टेक्निक्स। दोस्तों, अगर आप सुनते थे फोटोग्राफी, अगर आप सुनते थे कैमरा सेटिंग और अगर आप सुनते थे एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आज स्किन रिटचिंग की, कि आपने स्किन को किस तरह से स्मूथ करना है, किस हिसाब से आपने जो है उसको यानी कि हाई एंड रिटचिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे फेस पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दाने हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यानी कि दाग धब्बे बने हुए हैं, तो जिनकी वजह से मेरी स्किन जो है इतनी स्मूथ नहीं है। तो मैं इसको स्मूथ करके दिखाऊंगा आपको कि आपने किस तरीके से इसको स्मूथ करना है, ठीक है। तो आपने इसको स्मूथ करके जो है बेहतरीन तरीके से आपको मैं करके दिखाऊंगा कि आपने हाई एंड तरीके से, क्योंकि काफ़ी लोगों का, मेरे भाइयों का क्वेश्चन आ रहा था यार स्मूथ करना यानी कि आ नहीं रहा। तो अब सबसे पहला काम आपने करना क्या है, यहाँ पर जो है आपको मेरी कीज़ नज़र आती है जो मैं दबाऊंगा, और यहाँ पर आपने सेटिंग्स ये याद कर लेनी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, 75, 90, 100, यहाँ से हम कर लेते हैं 12, 14, जितनी आपको अच्छी लगे, ठीक है, 18 कर लेता हूँ, चलिए 17 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सेटिंग सबसे पहले आपने देखनी है, उसके बाद आपने अपना मिक्सचर टूल जो है चलाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब जो है स्किन को जो है करने के दो तरीके होते हैं, या आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से मर्जी कर लें या नोज़ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नोज़ को यानी कि इधर से हल्का सा कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है, स्किन रिटचिंग। तो मैं आपको जो स्किन रिटच करना है, ये सबसे आसान तरीका है, और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, मुश्किल तरीके हैं, ठीक है, जितने भी और ज़्यादा मुश्किल और तरीके हैं सारे मुश्किल हैं। इसके अलावा जो है एक्शन से होती है, इसके अलावा जो है हाई पास, गाशियन ब्लर, इनसे हो जाती है, लेकिन बात यह है कि वो हाई एंड तरीके हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत लगती है आपको, वो आपका उस पर हाथ जल्दी सेट नहीं होगा। तो ये जो तरीका है ये आसान और सबसे यानी कि जो है इजी तरीका है, ठीक है, उससे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपने मिक्सचर की सेटिंग सेट करने के बाद आपने इस तरीके से मिक्सचर फेरना है, ठीक है। तो आप देखिए कि ऐसी स्किन स्मूथ होगी, आप देखते रह जाएंगे, मतलब ये भन किया गई है, स्किन के ऊपर शाइन जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी, शाइन को कुछ भी नहीं होगा, सेम वैसे ही जैसे आपकी तस्वीर पहले थी, उस पर जो शाइन थी वही आपकी उसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये क्विक ट्यूटोरियल है आपको तकरीबन, तो ये हम जब एडिटिंग करते हैं यहाँ पर स्टूडियो में, तो हम तकरीबन तकरीबन फेस पे 1-1.5 मिनट लगाते हैं, ठीक है। तो ट्यूटोरियल में आपको यानी कि मैं थोड़ा आसान आसान यानी कि बोल बोल के समझा रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, स्किन रिटचिंग मुश्किल है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि हाथ सेट करो अपना, आप लोग हाथ सेट करते नहीं, कमेंट्स में कहते हो कि यार आ नहीं रही स्किन रिटचिंग की सेटिंग, नहीं पता सेटिंग कोई भी हो, सेटिंग मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, सेटिंग हमेशा यही सेटिंग नहीं रहती, और सेटिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपका हाथ सेट होना चाहिए, आपसे मिक्सचर चलना चाहिए, चलाना आना चाहिए आपको मिक्सचर टूल, ठीक है। तो ये बात है, ज़्यादा उसकी बात नहीं है कि सेटिंग क्या होती है, सेटिंग सेटिंग ये जो ऊपर सारी है यही होती है, ये कस्टम होता है यहाँ पर, ये चीज़ें इस तरह ही होती हैं जैसे मैंने रखी हुई हैं, ठीक है, तो आपने देख ही ली है, मैं कह रहा था। तो अगर नहीं समझ आ रहे थे तो यहाँ पे जूम करके यार चेक कर लिया करो, ठीक है, तो क्या हिसाब किताब है सेटिंग वगैरह हर चीज़। जब मैं वैसे भी और भी ट्यूटोरियल बनाता हूँ ना, उसमें भी स्क्रीनशॉट लेके जूम कर लिया करो, या HD पे वीडियो देखा करो ना, तो इंशाल्लाह आपको जो है सारी समझ लगेगी। मैं HD पे जो है 1080p आपके लिए वीडियो रेंडर करता हूँ, वरना ये जो है 720 पे भी काम चल सकता है, लेकिन जो ट्यूटोरियल वाली वीडियो थी वो मैं 1080 पे रिकॉर्ड करता हूँ, और जो है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगता है यानी कि अपलोड होने में भी, लेकिन ये है कि मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को समय लग जाए, ठीक है। बहुत से लोगों की स्किन तो पहले ही साफ़ होती है मोस्टली यानी कि अच्छी होती है, तो मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसको कहते हैं एंड है। तो देखिए मेरी स्किन को भी ये 2 मिनट लगे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपकी यानी कि मोस्टली लोगों की साफ़ ही होती है, तो फिर आपको पता ही बहुत कम टाइम लगेगा। तो अब आप देखें ये क्या चीज़ बन गई है और पहले क्या थी, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ
फर्क चेक कीजिए। और ये जो हाई एंड रिटचिंग मैंने की है इस टाइम आपके साथ, ये सारी मैनुअल की है, आपके सामने कोई एक्शन यूज़ नहीं किया, कोई प्रीसेट तो यूज़ नहीं किया, ठीक है, ना ही मैंने कोई अदर चीज़ यूज़ की है, ना ही कोई मैंने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, ठीक है। तो हाथ से जो बनती है वो बिल्कुल यानी कि बेहतरीन तरीके की बनती है, जो आप यानी कि एक्शन से बनाते हो या किसी और चीज़ के तरीके से बनाते हो वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये है कि ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर स्किन तो आप देखें कितने अच्छे तरीके से हो चुकी है स्मूथ। तो ठीक है, हमारी स्किन बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुकी है, हाथों पे थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा बस टच ही देना है, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। इसके अलावा थोड़ा सा मेरी हाथों वगैरह सिर्फ आपने टच ही देना होता है उनको, ज़्यादा स्मूथ करेंगे तो फेक फेक लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा स्किन का ट्यूटोरियल, हमारी वीडियो जो है वो यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।